Kalandi, congratulations. So, आम सामने Kalandi Sahoo, जे कि जड़े कमर्स ग्रेजुएट आउ एलएलबी कंटिन्यू करूचंती संघर्षमय जीवन ग्रेजुएशन परे तांकर एफर्ट स्टार्ट हला कॉम्पिटिटिव परीक्षा पाई एंड विदिन ए स्पान ऑफ 2 to 3 इयर्स सो ही इज एबल टू क्लिक ए सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन से विषय आलोचना करबा तो कारण तुम से कहो कौन एकेडमिक बैकग्राउंड तुमरा मोर ग्रेजुएशन सेला 2015 रे तापरे गोटे वर्ष मोर फिजिकल लिगामेंट इंजरी दिला ऑपरेशन मोते घरे पड़थिला तापरे हमरा फाइनेंशियल पोजीशन मध्ये खराब छर मोते एलाइन कासे बोला मैं कुछ करी देखि आ तापरे मैं पाठ पढा पडी स्टार्ट करी 2017 नवंबर सुधा स्टार्ट करी फर्स्ट बैंकिंग में पढिया को चेष्टा करथली किंतु देखली किछ समय पर जे मुना ये करी कि सिविल सर्विस हो मैं ओडिशा गवर्नमेंट हो तो रेलवे पे प्रिपेयर करी आर भीतर मु इंस्टीट्यूट जॉइन करथि कैरियर प्लानर तापरे तापरे 6 मास पर निजे सेल्फ स्टडी करली हमरा बहुत लाइब्रेरी जाय होम स्टडी करा आ आर भीतर मन को कंसंट्रेट करबा ठीक मो पई कष्ट हो जातला तापरे भगवान को आशीर्वाद रु ठीक सत्संग जाय हम सब भी पिला मन कुहे इस सत्संग माइंड टा कंट्रोल होला पर मु देखिली पाठ पढा फोकस असला आ तापरे मु जो पाठटा को 10 तरे पढुछल मन नथला तापरे मु सेही पाठटा एकाग्रता आसीबा द्वारा हमें जो कोरोना समय रे जोडे के बहुत खराब परिस्थिति थिला तेते निजो को संजय भीतर रखि मु गां पिलां संग रे पढा पढी स्टार्ट करली ने आपण घरे रहउथिले आगे कोठी घर कोठी मोर मोर होची तेलेबे सोइंदा तेलेबे ओके सो स्कूल कॉलेज कोठी थिला कॉलेज को कॉलेज रे पढथिला कॉलेज थिला यूएन ऑटोनोमस कॉलेज ओडसपुर रे पढथिला सेटू कॉमर्स ग्रेजुएट सेटू कॉमर्स ओके सो 2019 रे प्रिपरेशन स्टार्ट करले 2018 स्टार्ट करले ओके सो एबे जो आपण पढिले सो ए जो नि तब कहले ओएसएस रे एग्जाम्स गवर्नमेंट रे बाकी सब जो एग्जाम्स पर प्रिपरेशन स्टार्ट करले कोन स्ट्रेटजी बनिले केमती प्रिपरेशन करूथिले माने केम गोटे दिन रे केमती कोन पढुथिले प्रिपरेशन एया थिला जे मु बुक स्टडी को भलो पाए बुक स्टडी बाय पेज हमें बुक स्टडी करी पढू आज पढ़ा हो काली डिस्कशन जति कि आज पढ़ा हुए काली अगो पचरा उचरा हुए तापर नेक्स्ट पाठ पढ़ा हुए आ ग्रुप बेसिस रे पढे मु बहुत भलो किछि आंसर सॉल्यूशन इत्यादि करूथिले रेगुलर बेसिस रे जे कि मैथ जेमते प्रैक्टिस हो सेट प्रैक्टिस हो आ इंग्लिश को लुसेंट बाय फॉलो करे लुसेंट बाय यूपीएससी रा सेउडा ही मु अच्छा ये जो अपन को सीरीज ऑफ एग्जाम्स लागला को परीक्षा अपन क्वालिफाई करछन ठीक कहबो फर्स्ट ऑल तो 2017 सब इंस्पेक्टर एसआई तापर हमरा सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर और सिविल स्टोरी इंस्पेक्टर तापर आरएलए स्टेशन मास्टर तापर वो पुलिस द्वारा कंडक्ट करा द्वारा 5टा एग्जाम एआरआई और मिनिमम स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वर फर्स्ट ग्रेड ने यार 5टा करबे एलिजिबल हिछि मान ए सब रो सिलेबस कोन एक प्रकार थिला ना अलग अलग थिला ना ना किछ न रेलवे पई जमती इंग्लिश नहीं ता पई अलग स्ट्रेटजी आ आ बाकी तक ओडिसा गवर्नमेंट हो ता पई कॉमन स्ट्रेटजी ओके ऑलमोस्ट सिलेबस रे कोन 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 सब थिला एप्टीट्यूड रीजनिंग इत्यादि कोन कोन सिलेबस सब थिला अपन के पॉडकास्ट में जमती कहले सिंपलीफिकेशन परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस इत्यादि एप्टीट्यूड थिला ओके रीजनिंग तापरे जीके लेवल टर्म बॉय को फोकस ओके हां जीके भी गोटे पार्ट थिला जीके इंग्लिश भी थिला इंग्लिश ओके तो आपण एको गोटे दिन रे सपोज आपण कहबा गोटे दिन रे आपण केते घंटा पढा पढी पे दोथिले सेमिति मु कहियो गले जे प्लान मना फर्स्ट ऑफ कंसंट्रेशन मु टिके कंसंट्रेशन फोकस करे आ हमें तले पढु जे भी 2 घंटा 3 घंटा एकाल को पढी तापर अपन ब्रेक तापर पूर्ण एनालिसिस ताको जा भी पढाला पूर्ण एनालिसिस पुनी रात्री रिवीजन मु जतल होम स्टडी करथि कोरोना समय रे हमें राती 11टा 12टा पर्यंत पढुथु किंतु ग्रुप स्टडी जहा पढाबो अच्छा ए जो प्रिपरेशन प्रोसेस थिला सेतरे बणिक रो कोन सब सहायता अपन पाइथि मतलब 2017 सब इंस्पेक्टर पे एलिजिबल हेली एठी इंटरव्यू पे आस्थिली इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ लाइफ रे फर्स्ट इंटरव्यू देबिली आ एठी इंटरव्यू प्रोसेस ता बहुत बढ़िया थिला जाबकि हमरो बैच रे 218 स्टूडेंट थिले तारे हमरो हाईएस्ट मार्क 28 आउट ऑफ 30 मैंने फुल मार्क भाइबर 30 थिला अपन हाईएस्ट पाइले 28 आई थिंक फर्स्ट माने हाईएस्ट मार्क रखथि ओके तो ये जो पिला माने प्रिपेयर होउचंती इवन 2-3 वर्ष पडला पर भी गोटे गवर्नमेंट सेक्टर जॉब पाइबा किसी पिलामाना पाई गोटे बड़ा स्वप्न होइके रहउची बट आपण से एफर्टटा आपण को बहुत गुडे 3-4 रु अधिका जॉब दवा पाई आपण एलिजिबल हेले तो कोन यार माने पिलामानु कोन कहिबा आपण पिलामानु जे तुमे लाइन छाडो वन वे ट्रैफिक जदी लाइन के आछन हम वन वे लेके जीवा फेरिवार चांस ने ऊपर वाला जो आछन आपण तांको डाक्टर से तो निज मन को कंसंट्रेट करिया दरकार एकाग्रता आ फेरि जीवा माने निराश होना कोनोसी बात नै हमको लगी रही गोटे बेस्ट प्लाटफर्म अच्छे पे ये कहना चाहूँचे आम गोटे जदि भी आम लड़ूचे लक्ष लक्ष यूथ मान सहित लड़ूचे जीवन बहुत भला बहुत शिक्षा को मिले आ हारिजाटा लक्ष्य नुहे कि चेष्टा नक ही दुर्बलता आम कहले आप मोटिवेट करते देखो मु मोटिवेट कराला मु ठाकुर दीक्षित आ मोर पचर हूँ सत्संग मु सब जो देखो यहाँ शरीर काम नुहे आम शरीर बल आमको सहयोग दब ये मनर बल सहयोग ईश्वर को विश्वास मनर बल को सुदृढ़ करके सब अचीवमेंट कर ओके थैंक यू सर।